अब तक आप लोगों ने केवल साउथ इंडस्ट्री में एमएस राजामौली और प्रशांत नील जैसे डायरेक्टर का ही नाम सुना होगा जिन्होंने बाहुबली और केजीएफ जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं। लेकिन दोस्तों इसी कड़ी में एक और नाम है जिसने साउथ इंडस्ट्री में अपने नाम का डंका बजाया और अब वो पैन इंडिया लेवल पर धूम मचाने वाले हैं। दोस्तों एटली कुमार साउथ इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स में से एक है। केवल 36 साल के एटली कुमार साउथ फिल्म इंडस्ट्री को कई सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं और अब बॉलीवुड में धमाका मचाने की बारी है। और अगर दोस्तों आप एटली कुमार के बारे में नहीं जानते तो हमारा ये वीडियो एंड तक देखने के बाद आप भी जान जाएंगे कि एटली कुमार साउथ इंडस्ट्री का कितना बड़ा नाम है और किस सुपरस्टार के साथ उनकी कौन सी अपकमिंग मूवी आने वाली है। एटली कुमार के डायरेक्शन में आने वाली पैन इंडिया मूवी 2023-24। नंबर एक जवान 2023। तमिल इंडस्ट्री में अपनी धाक जमाने के बाद पैन इंडिया लेवल पर एटली कुमार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सितंबर 2023 में रिलीज होने वाली शाहरुख खान की मूवी जवान है जिसे एटली कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों जवान मूवी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और 7 सितंबर को जवान मूवी भी थिएटरों में रिलीज हो जाएगी। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसमें शाहरुख खान डबल रोल निभाने वाले हैं। आप लोगों ने इसका ट्रेलर तो देख ही लिया होगा जिसने रिलीज होने के तुरंत बाद इंटरनेट पर धमाका मचा दिया है। जवान मूवी के ट्रेलर में शाहरुख खान एक तरफ इंडिया पुलिस ऑफिसर तो दूसरी तरफ डैशिंग रोल में दिख रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये एक फादर और सन की ड्यू होने वाली है और जिस तरह इस मूवी के ट्रेलर ने धूम मचाई है क्या ये मूवी भी उतना ही इफेक्ट डालेगी ये तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा। इस मूवी में शाहरुख खान के साथ नयनतारा और साउथ सुपरस्टार विजय सेतुपति भी नजर आएंगे। जवान मूवी रेड चिली एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी है जो कि शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान का प्रोडक्शन हाउस है, यानी कि इस मूवी को खुद शाहरुख खान और गौरी खान ने ही प्रोड्यूस किया है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर भी साउथ के फेमस अनिरुद्ध रविचंद्रन है। नो डाउट की जवान मूवी के बाद एटली कुमार एक बहुत बड़ा नाम बनने वाला है क्योंकि कुछ भी हो शाहरुख खान की मूवी तो फ्लॉप होने का कोई चांस ही नहीं है। नंबर 2 लायन 2024। जवान मूवी के बाद एटली कुमार शाहरुख खान के साथ अपना नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं जो लायन मूवी होने वाली है। हालांकि इस मूवी का नाम शायद बदला भी जा सकता है। ये मूवी मई 2024 में रिलीज होने वाली है। इस मूवी में शाहरुख खान के साथ नयनतारा और योगी बाबू जैसे बड़े स्टार काम करने वाले हैं। शाहरुख खान अपनी इस मूवी के लिए काम भी शुरू कर चुके हैं और इस मूवी की शूटिंग मुंबई में की जा रही है। नंबर 3 VD18। एटली कुमार बॉलीवुड सुपरस्टार वरुण धवन के साथ भी बहुत जल्द अपना एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं जो कि उनकी मूवी VD18 होने वाली है। इस मूवी की शूटिंग 2023 अगस्त में एंडिंग में शुरू हो जाएगी और इनकी रिलीज डेट 31 मई 2024 रखी गई है। इस मूवी में वरुण धवन के साथ कीर्ति सुरेश, वामिका गब्बी और अनुष्का शर्मा नजर आने वाले हैं। नंबर 4 अनटाइटल 2024। एटली कुमार की पैन इंडिया लेवल का बड़ा प्रोजेक्ट अनटाइटल मूवी होने वाली है जिसमें साउथ इंडस्ट्रीज सुपरस्टार अल्लू अर्जुन नजर आएंगे। और दोस्तों आप इस मूवी के बजट का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लू अर्जुन ने 100 करोड़ फीस चार्ज की है। एटली कुमार अपना डायरेक्शन देने के लिए इस मूवी के लिए 25 करोड़ चार्ज करने वाले हैं और ऐसा अनुमान है कि इस मूवी का बजट लगभग 350 से लेकर 400 करोड़ रुपए होने वाला है। इस मूवी को तमिल तेलुगु भाषा में शूट किया जाएगा और हिंदी में डबिंग की जाएगी। हालांकि इस मूवी के बारे में ज्यादा कोई जानकारी तो नहीं है लेकिन ऐसा अनुमान है कि इस मूवी की शूटिंग 2024 के एंड में शुरू होगी और 2025 तक मूवी को रिलीज किया जा सकता है। PS1, PS2 और रोबोट 2.0 जैसी मूवी को प्रोड्यूस करने वाले लाइका प्रोडक्शन ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, यानी कि यह मूवी भी बहुत धमाकेदार होने वाली है। नंबर 5 थालापति 69। एटली कुमार और विजय थालापति का ड्यू साउथ इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा फेमस है और दोनों ने मिलकर काफी धमाल भी मचाया है। एटली कुमार के डायरेक्शन में विजय थालापति की मूवी बिलिंग 2019 और मार्शल 2017 में धमाकेदार कमाई कर चुकी है। इन मूवीज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 250 करोड़ रुपए से ज्यादा है। थालापति 69 मूवी की शूटिंग भी 2024 के एंड में शुरू होगी और 2025 तक इस मूवी को रिलीज किया जाएगा। इस मूवी का बजट 300 करोड़ रुपए होने वाला है और इस बात में कोई शक नहीं है कि यह मूवी भी पैन इंडिया लेवल पर धमाका मचा देगी। इस मूवी को तमिल तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा। नंबर 6 AK64 मूवी भी एक एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है जिसमें एटली कुमार साउथ सुपरस्टार AK थालापति के साथ काम करने वाले हैं। इस मूवी का म्यूजिक AR रहमान देंगे और इस मूवी को साल 2024 में एंड में रिलीज किया जाएगा। इस मूवी की शूटिंग तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में की जा रही है। ऐसी खबरें थी कि पहले AK63 मूवी आने वाली है जिसे एटली कुमार डायरेक्ट करने वाले थे पर इसे शिवा बना रहे हैं, इसलिए एटली कुमार AK64 में जल्द ही काम शुरू करने वाले हैं। इसी तरह मूवी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्द ही हम आपको नया अपडेट देंगे, इसलिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।